भारतीय महिला कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में होने वाले कुश्ती खेल का फाइनल राउंड अब नहीं खेल पाएंगी, क्योंकि वो 50 किलो की कैटेगरी में कुश्ती लड़ रही थी। लेकिन 7 अगस्त की सुबह जब उनका वजन देखा गया, तब 50 किलो से बढ़कर 50 किलो 100 ग्राम पाया गया। ये देखते हुए उन्हें फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर मंडी सांसद कंगना रनौत ने पहली बार रिएक्ट किया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर किया जिसमें विनेश रो रही हैं और भारत माता उन्हें शांत करा रही हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मत रो विनेश, तुम्हारे साथ खड़ा है पूरा देश। इसके साथ ही कंगना ने विनेश की फोटो शेयर करते हुए उन्हें शेरनी भी कहा। वहीं विनेश के अलावा कंगना ने शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट पर ब्रॉन्ज जीतने पर उनकी तारीफ की। देखिए, भारत के लिए जो है ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारे जितने भी खिलाड़ी जो है भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पे हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दिट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन। और पिछले 10 सालों में और खासकर पिछले 5-7 सालों में तो ऐसा लगता है जैसे मेडल्स की क्रांति सी आ गई है। और आई थिंक हम हर खिलाड़ी पे 2 से 3, 3, 4 करोड़ तक भी जो भारतीय जो है सरकार जो है वो स्पेंड कर रही है। बाकी जैसा मेरे क्वीन फिल्म में डायलॉग है कि इंडियन सबसे बेस्ट है, हर चीज में इंडियन बेस्ट है, बस एक गवर्नमेंट का साथ चाहिए था जो वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश के महिला कुश्ती 50 किलोग्राम से अयोग्य घोषित करने को लेकर WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने क्या कहा, सुनिए। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि इतनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सर, ये होता कैसे है? मतलब पहले वजन चेक होता है, कंपटीशन से एक दिन पहले वजन चेक होता है, हम सबको पता है, फिर उसके बाद आप कंपटीशन में खेलते हैं, तो फिर उसके बाद उनका ओवरवेट ये कैसे निकला? अब उनका ओवरवेट विनेश का अपना, उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिशनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था, रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिशनिस्ट ही दे पाएंगे, एक्चुअल उनके न्यूट्रिशनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। सर, WFI कोई प्रोटेस्ट करेगा उस पे, कोई डालेगा कुछ, अपनी अर्जी डालेगा, कुछ करने चाहेगा, क्योंकि आज वो फाइनल खेलने वाली थी, गोल्ड भी ले आती है, सिल्वर तो पक्का ही था। बिल्कुल, तो WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और पीटी उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है, उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपने जैसे बताया आप लीगल एक्शन लेंगे और लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे क्या करना है, लेकिन क्या इन सब के लिए हमारे पास पूरा वक्त है, क्योंकि आज ही शाम को मैच है, सब जानते हैं। वक्त तो कम है थोड़ा, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, करना भी है, बिना किए तो मानेंगे नहीं, उसको करना जरूरी है। सर, काफी दुखद है कि वो पता चला वो बीमार भी पड़ गई, वो कोलैप्स कर गई, और क्या कहते हैं फिर उनको कोलैप्स नहीं कर गई, थोड़ा वो जैसे रात में उन्होंने मेहनत किया वजन कम करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन का वो हुआ, अभी वो एकदम फिट हैं और आराम कर रही हैं वो विलेज में। सर, लेकिन अभी जैसे आप सब जानते हैं देश के, वो क्या मैसेज देना चाहिए कि देश में जश्न का माहौल था कि एक और मेडल आ गया, सिल्वर आ गया, कम से कम सिल्वर अश्योर हो गया, गोल्ड भी आ जाएगा, देश को एकदम जश्न का माहौल था और अब देश में बिल्कुल दुख का माहौल छाया हुआ है, पूरे देश में सिर्फ वो यही बात हो रही है अभी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद है हमारे देश के लिए कि कुश्ती में महिलाओं का पहला अगर सिल्वर आ जाता वो भी महिलाओं का पहला मेडल होता, और गोल्ड आ जाता वो भी महिलाओं का पहला मेडल, क्योंकि कुश्ती में भी गोल्ड आया नहीं है, तो यह तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्य कहेंगे हमारे देश के लिए कि जो ये वजन की वजह से ये गड़बड़ा गया। तो सर, आप अपने तरफ से अभी विनेश को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया हाइड्रेशन मिल रहा है अभी उनको? अभी तो वहाँ पूरी टीम उनके साथ, पूरी डॉक्टर सब लोग अपने, हमारे वहाँ सेफ डिमिशन गगन नारंग जी हैं, PT उषा मैडम वहाँ पहुँच गई हैं, सब लोग उनको जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं सब दी जा रही हैं। और आप देश से क्या गुहार लगाना चाहेंगे अभी, क्या सपोर्ट की? अब देश से यही गुहार लगाएंगे कि भाई देश के भाग्य में ये महिला मेडल नहीं था, इनका मेडल नहीं था, अब उसके लिए हम दुखी प्रकट कर सकते हैं। सर, एक सवाल और, कि हमारे और भी पहलवान हैं, जैसे कि बड़ा दुखद रहा अब तक निशा दहिया, आपने देखा इंजर्ड हो गई, बहुत अच्छा खेली थी, डिस्क्वालीफाई, तो ये क्या कहते हैं, ये एक तरह से अभी इस बार के लिए रेसलिंग की शुरुआत जो है शुभ संकेत से तो नहीं हुई है? नहीं, शुभ संकेत नहीं है ये, क्योंकि अभी आज अंतिम का भी मैच है, आज उनका भी मैच है,
क्वालिफाइंग मैच है से और क्वालिफाइंग करेंगे, सेमीफाइनल तक जाएंगे। सर बाकी के जो और खिलाड़ी हैं, तैयारी देखिए हमारे खिलाड़ियों की बहुत अच्छी है और सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये दिख भी रहा है। निशा का भी आप लोग देखे और उसके बाद इनका भी देखे। अब दुर्भाग्य के लिए और किस्मत के लिए कुछ नहीं कर सकते, उस पर ऊपर वाला ही जो मदद करना होगा। पदकों की उम्मीद है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी दो तीन पदक, दो पदक की अभी भी उम्मीद है।